नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बता दूं कि SSC फेज़ 11 का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। और अगर आप SSC फेज़ 11 का वैकेंसी भरना चाहते हैं तो बता दूं कि आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसमें लगभग 5,000 वैकेंसी है, ठीक है। जहाँ तक ये अपडेट आ रही है कि 5,000 से अधिक वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो SSC फेज़ 11 का आप ये जो फॉर्म है, जो कि 10th लेवल, 12th लेवल और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बता दो कि SSC फेज़ 11 या फिर आगे जितने भी सारे पोस्ट होते हैं वो हर साल SSC निकालती है, और इस बार भी जो SSC 10 के बाद SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 के बाद SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का फॉर्म निकाली हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके आपको सारी चीज़ बताता हूँ। देखिए, आप इसे ऑनलाइन जो कर पाएंगे वो 6 मार्च से आप कर पाएंगे ऑनलाइन, 6 मार्च 2023 से लेकर के 27 मार्च 2023 तक। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसे भर सकते हैं, 10th लेवल में भी भर सकते हैं, 12th में भी भर सकते हैं, और साथ ही ग्रेजुएशन लेवल में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र न्यूनतम आयु 18 साल मांगी गई है। अगर आपका उम्र 18 साल से अधिक है तो आप 10th लेवल तक का भी ये भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं और कोई करेक्शन करने का रहेगा, मान लीजिए आप फॉर्म भरें और बीच में आप किसी प्रकार का गड़बड़ी कर देते हैं, तो आप उसे करेक्ट भी करा सकते हैं। उसका भी SSC डेट देती है, तो वो आपका है 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आप SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ये भी SSC ने निर्धारित समय दे रखी है। देखिए, इसके अलावा मैं बताऊं तो SSC फेज़ 11 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपको कंप्यूटर में बैठ करके एग्ज़ाम देना होता है, और इसके भी बारे में इन्होंने बता रखा है कि आपको आपका जो एग्ज़ाम होगा CPT का वो जून से लेकर जुलाई महीने के बीच में होगा 2023 में। इसके अलावा आप इसे अगर अप्लाई करना चाहें तो आपको पता है कि SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको अप्लाई करना होता है। गूगल में जाकर के आप लिख सकते हैं SSC.NIC.IN, तो आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या फ़ी लगेगा वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल या OBC में आते हैं तो आपको 100 रुपये फ़ी लगेंगे, लेकिन इसमें वुमेन SC ST इन सभी कैटेगरी में फ़ी में छूट दिया गया, यानी उन्हें इस फॉर्म को भरने के लिए कोई चार्ज देना नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में अलग अलग जगह पर SSC अपना कंपनी के साथ टाइप करा के इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। सिलेबस का बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर आपको 50 नंबर मिलेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स 50 नंबर मिलेगा। मैथ से भी क्वेश्चन 25 रहेंगे और मार्क्स 50 मिलेगा। इंग्लिश का बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स आपको 50 नंबर मिलेगा। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में आपको टोटल 100 प्रश्न सॉल्व करना होगा और टोटल 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप परीक्षा दें, एग्ज़ाम दें, लेकिन गलत ना करें, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आप एक प्रश्न गलती करते हैं तो 0.50 मार्क्स जो है SSC काट लेती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिस तरह अन्य एग्जाम्स में भी, SSC के अन्य एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव नहीं करना है, गलत नहीं करना है, गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने बताया। तो इस बार जो है वैकेंसी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 से लगभग अधिक वैकेंसी है, तो आप इसको चाहे इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 3 लेवल में भी भर सकते हैं, आप 10th लेवल का भी भर सकते हैं, 12th लेवल का भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल का भी भर सकते हैं। यानी आप इस एग्जाम को 3 बार आप दे सकते हैं, 10th लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी। तो आप अगर इच्छुक हैं तो इसको जरूर भरें, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि आप अगर 10th लेवल का भर रहे हैं तो आप किसी एक ही रीजन से भर पाएंगे, 12th लेवल का भर रहे हैं तो उसको भी आप किसी एक ही रीजन से भर पाएंगे, और ग्रेजुएशन का भर रहे हैं तो ये भी आप किसी एक ही रीजन से भर पाएंगे। ये सारे बातों का ध्यान रखें, क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम होता उसमें भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया रखा गया था, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस के लिए आप डिटेल जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो इसका नोटिफिकेशन निकला है वो आप डाउनलोड करके पूरा आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। यही जानकारी देना था अपने इस चैनल के माध्यम से, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आपको पल पल मिल सके, ठीक है। यहीं पर दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।